अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसमें हम बना रहे हैं आलू चने का पुलाव। बहुत मज़े का, सिंपल तरीके से, जो आपके घरों में सब चीज़ें मौजूद होती हैं उस तरीके से हम बनाएंगे। और झटपट बनने वाला ये पुलाव है, तो उसके लिए मैंने इसमें दो दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए। उसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे कट किया, ज़्यादा बड़ा कट नहीं किया, ठीक है, इस दरमियाने साइज़ का किया। दो दरमियाने साइज़ की मैंने इसमें टमाटर लिए हैं और इतनी सारी मैंने मिर्चें ली हैं, इतनी देख लें, हिसाब लगा लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने इसके अंदर मिर्चें ऐड करनी है। ये जो मैं पुलाव बना रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डलेगी, इसलिए हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ली और काली मिर्च डलेगी बस। और अदरक का मैंने इतना सा पीस लिया, इसको छील के मैंने यहाँ पर रख लिया है। और लहसुन की मैंने एक ये पूरी ये ली है, इसको क्या कहते हैं, बस पूरी ये ली है, नज़र आ रहा है आप लोगों को जवा, तो मुझे पता है वो एक जवा होता है, इस पूरी गुटली कह लें, पूरी जो भी है, इस तरीके से ये पूरी ली है। और ये हमारी जो सामने आंटी रहती हैं वो पंजाब गई थी, देसी लहसुन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो थैंक यू आंटी। और क्या नाम है, हमना के मामा को थैंक यू मैं बोलती हूँ, और इस तरीके से उन्होंने गिफ्ट दिया है मुझे। और देसी लहसुन जो होता है वो आपको पता है बहुत अच्छा होता है, वो असली देसी पंजाब का, ठीक है। इसके साथ मैंने इसके अंदर एक प्याली जो बड़ी वाली होती है, तो चने के लिए, चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, ठीक है। और आप लोगों ने इसको पहले ही निकाल के रख लेना ताकि ये थोड़े थोड़े से नरम हो जाए। और इस वाली जार के अंदर इसकी गरम मसाला है, गरम मसाला मैं आप लोगों को बताऊंगी डालते हुए, जितना मुझे गरम मसाला इसके अंदर चाहिए होगा उतना ही मैं यूज़ करूँगा। मैंने ढक्कन खोल के मैंने आप लोगों को दिखा देती हूँ, गर्म मसाले के अंदर देख लें सब कुछ है, फूले बादियानी भी है, दालचीनी भी है, लौंग भी है, जीरा भी है और काली मिर्च भी है। तो जितना मुझे गरम मसाला डालना होगा उस हिसाब से मैं इस बर्नी में से निकाल के डाल दूंगी, ठीक है। और चावल इसके जो मैंने लिए हैं, चावल मैंने यहाँ पे 2 गिलास लिए हैं, वो मैंने भिगो दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चावल मैंने यहाँ पे 2 गिलास लिए और इनको अच्छे से मैंने भिगो दिया है, ठीक हो गया भिगो दिया। और अब हम जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं पुलाव अपना। मैंने इसके अंदर इतना सा ऑयल ले लिया है और ऑयल लेके अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करने लगी हूँ। मैंने इसके अंदर जो एक प्याज मैंने लिया था आप लोगों को दिखाया था, वो मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है, लंबा लंबा कट किया है। प्याजों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना, बल्कि हल्के से ये नरम होंगे तो इसके अंदर हम लोग बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। अगर प्याज ज़्यादा लाल हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो हमारा पुलाव वाइट नहीं बनेगा। अगर आप लोगों ने पुलाव वाइट बनाना है तो उसकी निशानी ये है कि आप लोगों ने प्याजों को बिल्कुल लाइट सा वाइट वाइट सा रखना है, बिल्कुल नरम हो जाए तो आप लोगों ने बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देनी है। और जैसे ही नरम होंगे तो इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी, वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। हमने मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा सा ही पीसना है, हल्का हल्का सा पीस के हम लोगों ने इस तरीके से इसको निकाल लेना, बस ददरा ददरा सा करना है, ज़्यादा मिर्चों को नहीं पीसना, ठीक है। प्याज भी इस तरीके से हल्के से वाइट हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर अब ये टमाटर और आलू जो मैंने कट करके आप लोगों को दिखाए थे वो हम दोनों इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड करने के साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर ये चने जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, हमने चने भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। चने अगर आप लोगों के ज़्यादा गले हुए तो चने आप एंड में डालिएगा, क्योंकि चनों का हलवा बन जाएगा। मेरे चने जो है ना बस नॉर्मल से थे, ज़्यादा गले हुए नहीं थे, यानी कि नॉर्मल है। इस स्टेज पे मैं इसको चनों को डाल लूँगी तो मेरे चने बिल्कुल भी घुलेंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने चने अभी इस टाइम डाल दिए, ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने ये हरी मिर्ची जितनी ली थी इसको बस मैंने ददरा ददरा सा कूटा है, ज़्यादा नहीं किया, बस बीज वगैरह इसके निकाल लिए। और 2 बड़े साइज़ के जो चम्मच होते हैं उसका ये लहसुन अदरक है और ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। पुलाव के मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून छोटी वाली जो है मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून जो है मैंने काली मिर्च ली है। और ये गरम मसाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें काली मिर्च है, लौंग है, फूले बादियानी है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है, ये सारे जो गर्म मसाले हैं साबित, ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से ये मसाला जब भून जाएगा तो हम इसके अंदर फिर पानी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छे से भून जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा, किसी 2 गिलास के हिसाब से हम इसके अंदर कितना पानी डालेंगे, ठीक है। अब मसाले को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास। अब आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जिस ग्लास से आप लोगों ने चावल नापे हैं या किसी भी बर्तन से आपने चावल नापे उसी बर्तन से आप लोगों ने पानी डालना है, फिर पानी और चावल का हिसाब आगे पीछे हो जाएगा तो आप लोगों के चावल ख़राब हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी जी। ये देखें जी, बॉयल इसके अंदर आना शुरू हो गया है। अब इसके ऐसा जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। अभी मैं दिखाती हूँ चावल ऐड करते हुए।
जी अभी इसके अंदर चावल ऐड करने लगी हूँ मैं। बॉईल देखें अच्छा सा आ रहा है। अब इसको हम हल्के से मिला देंगे, मिक्स करेंगे। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोगों ने इसका नमक चेक करना है कि नमक इसके अंदर पूरा है या नहीं पूरा, ठीक है। अगर नमक पूरा नहीं होगा इस कंडीशन में, नमक थोड़ा तेज होना चाहिए। अगर तेज आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोग रख सकते हैं, और नमक जैसे ही तेज होगा तो मतलब हमारे चावल सही बनेंगे। आप लोगों ने नमक टेस्ट कर लेना, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास इतना पानी रह जाएगा तो हम लोगों ने इसको दम लगाने की कोशिश करनी है। मतलब अभी थोड़ा सा ज्यादा पानी, हल्का सा और कम होगा तो हम इसके इसका दम लगा देंगे, ठीक है। देखें चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और मेरा दम लगाने का टाइम आ गया है। मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ। आप लोग दम जिस तरीके से भी लगाते हैं लगा सकते हैं। मैं कपड़े का भी लगा लेती हूँ, पौड़े का यानी कि जो होता है दस्तरखान उसका भी लगा लेती हूँ, और न्यूज़पेपर का भी लगा लेती हूँ। तो आज मैंने ये इसका लगाया है, और हल्के लगा के इसके नीचे भी मैं तवा रखूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा दम जो है रेडी हो गया है। तवा रख के जब हम लोग दम लगाते हैं तो इसका जो है ना चावल नीचे लगते नहीं है, इस वजह से मैं हमेशा जो है ना तवा ज़रूर रखती हूँ। तवा रख के इसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, फिर एम्प्टी शॉट करके दिखाते हैं कि ये कैसा बना है, लाजवाब बना है, कैसा बना है, ठीक है। और इसके साथ मैं रायता बना रही हूँ, रायता मिक्स वाला बता रही हूँ, तो वो मैं डिश आउट करूँगी तो आप लोगों को मैं साथ ही दिखाती हूँ, ठीक है जी। अब चावलों का दम खोलने का टाइम आ गया है, अब हम दम खोलेंगे और साथ ही इसको साथ डिश आउट करेंगे और देखेंगे। देखें कितने मज़े के दानेदार खुले खुले से बिल्कुल लंबे लंबे चावलों का नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को चम्मच से। जी ये देखें बहुत मज़े के वाइट वाइट से चावल जो है, चावलों पुलाव का जो मज़ा है ना वाइट चावलों का, ये बिल्कुल वाइट वाइट जो पुलाव के चावल नज़र आते हैं ना वाइट वाइट से, वो अच्छे होते हैं। तो पुलाव देखने में तो बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी लगा था। और साथ मैंने ये रायता बनाया था, रायते के अंदर मैंने छोटे छोटे चॉप करके खीरा काटा था और प्याज काटा था, और थोड़ा सा मैंने टमाटर डाला था, और हरे पुदीने की चटनी की जो क्यूब्स मैंने बना के रखी हुई थी, जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी क्यूब्स बनाने वाली, वो वाली मैंने एक क्यूब इसके अंदर डाल दी थी। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था, क्योंकि सॉल्ट जो है हमारा चावलों के अंदर भी बिल्कुल पूरा पूरा था, उस हिसाब से भी मैंने रायते के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डाला था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग ज़रूर इस पुलाव को घर में ट्राई कीजिएगा, और रिव्यू देने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे पास आइएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों ने ये पुलाव बनाया और कैसा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फिर किसी नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं विश इजाज़ को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।